आज हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनल भाग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग का जो कार्य होता है उसमें एक कार्य ये होता है कि हम लोग फॉरेन डीएनए, जो कि हमारी इच्छित जीन है, जो कि हमारी डिज़ायर्ड जीन है, उसको हम किसी अन्य डीएनए में उसका समावेश करवाते हैं या समायोजन करवाते हैं। इस प्रोसेस में जो फॉरेन डीएनए है उसके जो इच्छित जीन को वाहन का कार्य करने के लिए जो हम लोग युक्ति को यूज़ करते हैं या जो वाहक को यूज़ करते हैं उसको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। एक्चुअली में वेक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वाहक के रूप में कार्य करते हुए जो हमारा फॉरेन का डीएनए है उसको अन्य जीव में स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। और ये प्लाज्मिड, इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। और जो प्लाज्मिड्स होते हैं इसको वेक्टर के रूप में प्रयोग सबसे पहले कोहन ने 1973 में किया था। और जो एक वेक्टर के लिए या एक जो वाहक प्लाज्मिड होता है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए या जो मुख्य गुण होने चाहिए तभी वो उसके साथ जो है वो इच्छित जीन्स को क्लोन किया जा सकता है। और वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार होते हैं। नंबर वन, कि जो हमारा वेक्टर होता है उसका मॉलिक्यूल या अणु जो है वो छोटा होना चाहिए। दूसरा, कि वो जो ये होस्ट सेल्स के अंदर ईज़िली रेप्लिकेशन करना उसमें पॉसिबल होना चाहिए या उसमें जो सुगमता से वो प्रतिकृति कर जाए ऐसी उसमें रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर तीन, कि उस वाहक में स्पष्ट व उपयुक्त जो मार्कर जीन्स या चिन्हक जीन है वो होना चाहिए जिससे कि विजातीय जीन से संयुक्त होने के बाद उसको आसानी से पहचाना जा सके। चौथा, कि वाहक में रिस्ट्रिक्शन विदलन स्थल या रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइट्स जो हैं वो उपस्थित होनी चाहिए। और पांचवा, कि जो विजातीय जीन में समायोजन होने के बाद उसको ईजिली हम लोग पहचान सकें और ईजिली और स्पष्ट रूप से उसकी पहचान करनी संभव होनी चाहिए। तो ये तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि एक वेक्टर में होने चाहिए। और ये वेक्टर्स जो है वो कई तरह से हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मिड्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं, कॉज्मिड्स हैं, कुछ प्लांट और एनिमल वायरसेस हैं, इसी तरह से कुछ अन्य भी हैं जिनको हम लोग शटल वेक्टर या कुछ अन्य वेक्टर्स कहते हैं। पर आज जो हम मुख्य रूप से जिस वेक्टर की बात करेंगे उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड्स। अब ये प्लाज्मिड्स जो हैं ये सर्वप्रथम लीडरबर्ग ने 1952 में बैक्टीरिया के सेल्स में जो मेन क्रोमोसोम है उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक रचना पाई जाती है उसको प्लाज्मिड का नाम दिया था। प्लाज्मिड्स जो है वो सभी जीवाणुओं, आपको ये याद रखना है कि प्लाज्मिड्स हर बैक्टीरिया में या हर जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है और वो किसी एक जाति की सभी स्ट्रेन्स में भी नहीं पाया जाता है। नंबर टू, जहाँ पर भी वो उपस्थित होता है प्रायः उसकी संख्या एक होती है, कभी कभी उसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। गुड्स उसके और जो इसके कुछ और कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि प्लाज्मिड जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल होता है और ये डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन करने में सक्षम होता है। और इसका एक कैरेक्टर ये भी होता है कि ये जो है वो कई बारी स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है या कई बारी वो उसके जो जीनोम है या जो क्रोमोसोम है उसमें संयुक्त रूप से भी पाया जा सकता है। अब जो प्लाज्मिड्स के अगर हम लोग विशिष्ट कार्य को देखें तो
जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड के द्वारा कई बार जो विशिष्ट कार्य होते हैं उसके आधार पर हम लोग इसको तीन प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। उनके नाम हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स और कॉल प्लाज्मिड्स। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। पहला जो है हम लोग कॉल प्लाज्मिड्स की बात करेंगे, जिसके अंदर कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर या कोल कारक पाया जाता है। कोल प्लाज्मिड्स की खोज 1933 में फ्रेडरिक ने की थी। इसके जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि ये संक्रमणकारी प्लाज्मिड नहीं है, इन्फेक्शियस प्लाज्मिड नहीं है और इसका एक जीवाणु से अन्य जीवाणु में स्थानांतर जो फर्टिलिटी फैक्टर या एफ फैक्टर की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अगर बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट है तभी जो ये कोल फैक्टर है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है। एफ कारक के अभाव में एफ कोशिका से कोल कारक प्लाज्मिड दूसरी एफ कोशिका में नहीं पहुंच सकता। अब जो कोल प्लाज्मिड है इसके जो मेन कैरेक्टर होता है कि वो कई तरह के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है और इन प्रोटीन्स को सम्मिलित रूप से या एक साथ हम लोग कॉलिसिन्स कहते हैं। और जो कॉलिसिन का मुख्य काम होता है वो ये होता है कि वो उन निकट संबंधी बैक्टीरिया या उन बैक्टीरिया को मार देती है जिसमें कॉल प्लाज्मिड्स का अभाव होता है। मतलब कि जिनके अंदर कॉल प्लाज्मिड्स नहीं है वो उन बैक्टीरियों के द्वारा मारे जाते हैं जिनके अंदर कॉल प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद आती है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड की बात। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स के अंदर आर प्रतिरोधी कारक या ड्रग प्रतिरोधी फैक्टर जो है वो पाया जाता है और इन प्लाज्मिड्स की खोज आइसिकी तथा सेकाई ने 1953 में की थी। और ये जीवाणु जिसमें ये प्लाज्मिड होता है वो उन बैक्टीरिया मतलब कि जिन बैक्टीरिया में आर फैक्टर पाया जाता है वह कुछ एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकों के प्रति उनको रेजिस्टेंस बना देते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस फैक्टर है तो वो बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन जो ड्रग है वो काम नहीं करेगा क्योंकि उनके अंदर उस ड्रग के अगेंस्ट प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार जो आर कारक होता है ये अच्छा इसकी दूसरी बात ये होती है कि ये जो प्रतिरोगिता या ड्रग के प्रति जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है ये गुण कॉन्जुगेशन के द्वारा या गुण संयुग्मन के द्वारा आर रहित जीवाणियों में स्थानांतरित हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आर कारक प्लाज्मिड्स हैं ये इन्फेक्शियस हैं और ये ट्रांसमिसिबल भी होते हैं मतलब कि संचरणशील होते हैं। तीसरा जो टाइप है उसको हम लोग सेक्स फैक्टर या फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स कहते हैं। अनुवांशिक दृष्टि से एफ या सेक्स फैक्टर सर्वाधिक रुचि वाले प्लाज्मिड हैं क्योंकि ये गुणसूत्रीय जीनों के संयुग्मन या कॉन्जुगेशन के द्वारा उन जीवाणियों में स्थानांतरित कर सकते हैं जिसमें आर कारक नहीं होता है। इसका मतलब कि कॉन्जुगेशन के द्वारा अगर कोई एक स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंस जिसमें आर कारक है और दूसरी जिसमें आर कारक नहीं है तो अगर उसमें फर्टिलिटी या एफ फैक्टर प्रेजेंट है तो वो एफ फैक्टर की मदद से जो रेजिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इसके साथ ही एफ फैक्टर भी एफ पॉजिटिव से एफ माइनस बैक्टीरिया में पहुँच जा सकता है जिस प्रकार से वो एफ नेगेटिव स्ट्रेन भी एफ पॉजिटिव स्ट्रेन में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इन तीन मुख्य प्रकार के प्लाज्मिड्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे
मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स के बारे में। कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जो प्लाज्मिड पाया जाता है उसमें क्लोनल या क्लोन करने के लिए जो वेक्टर्स में गुण होने चाहिए उन गुणों का अभाव होता है, इसलिए इनको जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो कमियां पाई जा सकती हैं, जैसे इसमें साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या पुनरावृत्ति प्रारंभक स्थल का अभाव हो सकता है या चिन्हक जीन्स का भी प्रभाव हो सकता है। तो इसकी वजह से जो ये अगर हम लोग इसको रेप्लिकेशन में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी पहचान कर पाना आसान नहीं होता। तो इसलिए जो प्राकृतिक जो प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं तो इनमें से कुछ जो अनावश्यक जीन्स को हटा दिया जाता है और इनके अंदर जो हमारे पास रिक्वायर्ड जीन्स हैं जो कि एक इसको अच्छा वेक्टर बना सकता है उसको बीच में डालकर इस प्रकार से इनके प्राकृतिक जीनों की फेरबदल करके और जो प्लाज्मिड्स को रूपांतरित करके उनको नए प्लाज्मिड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड्स में वो सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि इनको एज अ वेक्टर यूज़ करने में मदद करते हैं। इनको हम लोग मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स कहते हैं। जो मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स के जो मेन जो टाइप्स हैं जो कि लैब्स में तैयार की गए हैं उसमें PBR322, PBR327, PUC, ईस्ट वेक्टर प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड एट्सेट्रा जो हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें एक चीज़ अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो PBR322 जो वेक्टर है ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जो कि एस्ट्रेशिया कोलाई के जीवाणु से प्राप्त PBR318 और PBR320 प्लाज्मिडों से प्राप्त किया गया है। और इसका जो नाम है वो PBR इसलिए है, पी जो है वो प्लाज्मिड शब्द से लिया हुआ है, BR बोलिवर और रॉड्रिग्यूज जो इनके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड का निर्माण किया है उनके नाम पर BR शब्द है, और 322 ये नंबर दिया गया है ताकि इसको हम उस लैब में डेवलप होने वाले अन्य प्लाज्मिड से इसको हम इसको मार्क कर सकते हैं या बता सकते हैं, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम है PBR322। अब हम लोग PBR322 के बारे में करते हैं। तो ये जो PBR322 जैसे मैंने आपको बताया ये एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड है जिसको बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने तैयार किया था PBR322। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्थल है, जैसे कि चित्र में जो हमें ORI शब्द लिखा हुआ है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। इसके साथ ही इसके अंदर दो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस वाले जीन्स भी हैं जिनको हम AMPR जो कि एम्पीसिलिन प्रतिरोधी साइट है और TETR जीन जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये दो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस जीन के नाम जीन के साइट्स दिए हुए हैं। इन दोनों को हम लोग मार्क जीन्स कहते हैं। तो जैसे कि ये हमें इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इससे हम लोग बाद में जब हमको पहचानना होता है हम किससे पहचानेंगे, इनकी रेजिस्टेंस वाले जीन्स की मदद से फिर हम लोग प्लाज्मिड्स को पहचान सकते हैं। अगर जो इसके बीच में अगर एम्पीसिलिन के बीच में सपोज करो हमारा फॉरेन जीन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ये वाला जो बैक्टीरिया है वो एम्पीसिलिन के प्रति उसकी रेजिस्टेंस कम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हम उसको एम्पीसिलिन वाले
उस मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, तो वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि ये इसमें मार्कर जीन्स के रूप में कार्य करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि जो हमारा फॉरेन जीन है वो किस साइट पर आया है, क्योंकि जिस साइट पे वो एंटर करेगा वो वाला जीन जो है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर वो एम्पिसिलिन के बीच में आ गया तो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, अगर वो टेट्रासाइक्लिन के बीच में फॉरेन जीन इंसर्ट हो जाता है तो वो टेट्रासाइक्लिन के प्रति उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। इनको मार्क साइट्स कहते हैं। इसके अलावा इस प्लाज्मिड में 12 डिफरेंट प्रकार के रिकॉग्निशन साइट्स पाए जाते हैं, जिनमें से जो एम्पिसिलिन वाली अगर हम लोग जीन को देखें उसके अंदर हमको दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स PST1 और PVU1 पाई जा रही है। यहाँ पे विदलन या रिस्ट्रिक्शन हो, यहाँ पे वो कट लगा सकता है एंजाइम। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन आर वाले में हमें जो मेन रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं वो 4 रिस्ट्रिक्शन साइट्स इसमें पाई जा रही हैं, जैसे HINT3 है, ECOR-R5 है, BAM-H1 है और SAL-1। ये 4 रिस्ट्रिक्शन साइट्स इस जीन के अंदर हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रतिरोधी एंजाइम्स का उपयोग करके हम लोग DNA को या तो टेट्रासाइक्लिन आर या AMPR जीन के मध्य में हम लोग इसको अटैच या समकलित कर सकते हैं, और जब वो समकलित हो जाएगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को आसानी से इसके द्वारा हम लोग चयन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो प्लाज्मिड का एक और करैक्टर होता है वो ये होता है कि प्लाज्मिड का जो मॉलिकुलर वेट है या अणुभार कम होना चाहिए, जिसके कारण इसके जीन वहन में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस प्लाज्मिड का जो अणुभार काफ़ी कम है इसलिए इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग काफ़ी हद तक किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स और हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं, और उसको हम लोग जैसे लैम्डा फाज हो गया, या इसमें कुछ और होते हैं जिनको हम लोग कॉस्मिट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड और वेक्टर्स भी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वो हम लोग कल या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।